इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है। तो ये आ चुकी है अभी टॉय ट्रेन जो कि समुद्र के ऊपर बना हुआ है, यहाँ से अभी आगे चल के जाना है। बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी फिलहाल मैं हूँ मुंबई में और मैं घूम रही हूँ मुंबई। तो अभी फिलहाल मैं जाऊँगी एलिफेंटा केव और उसके साथ साथ गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई का फेवरेट है। अगर आप आते हो तो आपको वहाँ पे जाना एंड फोटो खिंचाना मस्ट है। तो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, कैसे जा सकते हैं, क्या क्या चार्जेस है, एवरीथिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये है मुंबई का स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CST। तो अगर आपको गेटवे ऑफ इंडिया एंड एलिफेंटा केव जाना है तो आपको सबसे पहले CST आना पड़ेगा या चर्च गेट, और यहाँ से आप आराम से एलिफेंटा केव जा सकते हैं। तो जैसे ही आप रेलवे स्टेशन के बाहर निकलते हो आपको यहाँ पे बसेस मिल जाती है जो 6-6 रुपए में आपको गेटवे ऑफ इंडिया पहुँचा देते हैं। तो अभी फिलहाल हम बस से जाएंगे। टैक्सी वाले भैया भी बोलते हैं बट टैक्सी में नहीं, हम बस में जा सकते हैं। बस आती है जो कि पूरी इलेक्ट्रिक रहती है, उसमें पूरा इधर से लाइन लगाना पड़ता है और लाइन लगा के आप बस में जा सकते हैं। सेकेंड बस भी आ गई है, बस नंबर A116 करके बस रहती है। बस में बैठ चुकी हूँ, इलेक्ट्रिक बस है, काफ़ी मस्त। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ इंडिया जाएंगे और वहीं से हम एलिफेंटा केव में चल देंगे। तो आपको मेन गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ही छोड़ती है। इस तरफ से है एंट्री गेट और इसके जस्ट सामने यहाँ पे स्टॉल लगता है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, ये भी मिल जाएगा। और ये वाला जो है यहाँ पे मुंबई दर्शन जो आप करते हैं उसके लिए ऑफिस रहता है, यहीं से आप टिकट कटा के मुंबई दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको खाने के लिए, स्ट्रीट फूड आपको वैरायटी के मिलेंगे। वड़ा पाव भी यहाँ पे मिल जाएगा, तो आप ट्राई कर सकते हैं। मुंबई का वड़ा पाव बहुत ज़्यादा मस्त रहता है, टेस्टी रहता है। सब जगह का वड़ा पाव टेस्ट करो लेकिन मुंबई का जो टेस्ट आता है वो टोटली डिफरेंट रहता है। लेडीज़ जेंट्स सभी का चेकिंग होता है, आपके सामान का भी चेकिंग होता है, उसके बाद एंट्री मिलती है। ये है पूरा अंदर गेटवे ऑफ इंडिया, बट अभी यहाँ पे सेटअप हुआ है राम मंदिर का। उसके पीछे आप देख सकते हो ये पूरा गेटवे ऑफ इंडिया है, यहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे कुछ इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ है अभी। तो यहाँ से 260 रुपये का टिकट कराएंगे आप एलिफेंटा केव के लिए। तो वो टिकट वहाँ से लेने के बाद आपको इधर पे आना पड़ता है और यहाँ पे आके आपको बैठना पड़ता है। ये आपको ऐसी टाइप की टिकट्स मिलती है, 260 रुपये चार्ज रहता है और यहाँ पे आपको बैठना रहता है। और आप ऐसे चाहें तो ऊपर पे भी जाके बैठ सकते हैं ऐसे टाइप का, लेकिन अगर आपको ऊपर जाके बैठना है तो 10 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है। और ऐसी टाइप की बोट रहती है, सामने पूरा समुद्र। अभी हम यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया से टिकट लिए हैं, ये देख सकते हो ये है पूरा गेटवे ऑफ इंडिया, यहाँ से हमने टिकट लिया है। अब हम मस्त यहाँ से जाएंगे। तो हमने सबसे फर्स्ट वाला सीट ले लिया है। वैसे अगर आपको ऊपर जाना है तो 10 रुपये आप एक्स्ट्रा पे करके मस्त ऊपर बैठ सकते हो। यहाँ पे भी अच्छा है, इधर से व्यू काफ़ी मस्त आने वाला है, सामने से ऐसे बोट चलने वाली है। होटल ताजको एंड गेटवे ऑफ इंडिया को हम बाय बाय बोल के निकल चुके हैं फेरी में, हमारी फेरी चल चुकी है। ये आप नज़ारा देखो, सामने का फ्लैग भी है, इतना ब्यूटीफुल व्यू है। यहाँ पे देख सकते हो ये टाइप की फेरी रहती है, यहाँ पे सेंटर में चेयर्स रहता है, साइड साइड में सिटिंग अरेंजमेंट रहता है ताकि इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो पूरे में। और टोटल 150 प्लस की कैपेसिटी रहती है, नीचे एंड ऊपर मिला के बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं। और नीचे नीचे यहाँ पे देख सकते हो आप लाइफ जैकेट भी रहता है ताकि आप इमरजेंसी पर्पस में यूज़ कर सके। टोटल जो राइड होती है वो 1 से 1.5 घंटे की होती है और बीच बीच में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। ये देख सकते हो ये काफ़ी बड़ी सी बोट है, ये भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और ये भी काफ़ी बड़ी बड़ी बोट मिलती रहती है। इधर पे कुछ कुछ बना हुआ है, काफ़ी अमेजिंग लग रहा है देखने में। तो ये है मुंबई का अटल सेतु ब्रिज जो कि अभी नया ओपन हुआ है और ये मुंबई को नवी मुंबई से कनेक्ट करता है। और 28 किलोमीटर का ये ब्रिज है जो कि समुद्र के ऊपर बना हुआ है। ये देख सकते हो ये पूरा समुद्र इसके ऊपर बना हुआ है, तो ये भी आपको दिखता है। वाओ कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू है, देख सकते हो इतने सारे पक्षी इस बोर्ड के पास है। ये एक अलग से टापू है, ये ही पूरा एलिफेंटा केव है। ये अभी हम पहुंच चुके हैं एलिफेंटा केव। सारी बोट जितने में आती है सब आपको यहाँ पे ड्रॉप कर देती है। यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पे आप सामान ले सकते हो। ये फ्रिज मैग्नेट वाले जो है वो भी यहाँ पे आपको मिलेंगे एलिफेंटा केव के। और कुछ कोल्ड ड्रिंक भी आप यहाँ से ले सकते हो, खाने पीने का सामान भी है। इधर ही से टॉय ट्रेन है वो भी चलती है। यहाँ पे आपको एलिफेंटा केव जाने के लिए टॉय ट्रेन मिल जाएगी जिसका 15 रुपीज़ चार्ज रहता है। तो अभी टिकट कटा के हम टॉय ट्रेन में बैठ के जाएंगे। तो ये आ चुकी है अभी टॉय ट्रेन, हम टॉय ट्रेन में बैठेंगे और उसके बाद चलेंगे मस्त। टॉय ट्रेन आपको लेके भी जाती है और वापस लेके भी आती है। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करना रहता है। अभी हम बैठ चुके हैं, जाएंगे, 5 मिनट भी नहीं लगता है, 2 मिनट के अंदर आप पूरा पहुँच जाते हो और फिर यहाँ से अभी आगे चल के जाना है। वैरायटी और वैरायटी की दुकान आपको यहाँ पे मिल जाएगी, आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ से खरीद सकते हो। ये देख सकते हो, फ्रीज मैग्नेट भी खरीद सकते हो, हैट खरीद सकते हो, कैप खरीद सकते हो, खाने की चीज़ें, सब चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। ये एलिफेंटा केव में एंट्री करने के लिए टिकट है, यहाँ से आपको टिकट लेना रहता है, उसके बाद एंट्री करना रहता है एलिफेंटा केव में। एंट्री करने के लिए आपको 5 रुपये का टिकट कटवाना रहता है, फिर आप एलिफेंटा केव में एंट्री करते हो। तो टोटल आपके बहुत सारे टिकट कटते हैं जब भी आप एलिफेंटा केव आओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप फेरी से आओगे तो उसका चार्ज पे करोगे, ऊपर जाने का 10 एक्स्ट्रा दोगे, फिर टॉय ट्रेन से आओगे उसका अलग चार्ज पे करोगे 18 रुपये, और उसके बाद जब आप इसमें एंट्री करोगे तो उसका अलग से 5 रुपये चार्ज दोगे। तो जगह जगह पे आपको टिकट लगेगा। अभी फ़िलहाल हम जल्दी पहुंच गए हैं तो जल्दी जल्दी चलते हैं। ऊपर आपको रेस्टोरेंट भी मिलेगा जहां पे आप खाना वाना खा सकते हो। और ये ऐसा जाने का रास्ता है, यहाँ से केव तक जाते हैं, एलिफेंटा केव तक। इसके बीच में आपको यहाँ पे वेज थाली वाली भी मिल जाएगा और कुछ कुछ ऐसे वाले टाइप के चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी बहुत सारी। यहाँ से है एंट्री, जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपको बहुत सारी प्लेसेस मिलेगी जहाँ पे आप बैठ सकते हो। और यहाँ पे टिकट चेकिंग होती है और इधर पे आपको फिर से टिकट कटाना रहता है। जो चार्जेस हैं टिकट के वो मैं चार्जेस दिखा रही हूँ, देख सकते हो 40 रुपये का चार्ज रहता है। यहाँ पे उधर पे जाके टिकट कटाना रहता है। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं हमको ऐसी टाइप के केव्स मिलते हैं और ऐसे टाइप के टोटल 5-6 केव है। ये है केव नंबर 1। और जब आप इसको एक्सप्लोर करने जाएंगे तो उस टाइम पे अगर आप ये वाला जो मैप है इसको फॉलो करोगे तो आप काफ़ी आसानी से पूरे केव को घूम पाएंगे। और देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं अंदर आपको मिल जाएंगी। जैसे ही हम अंदर आओगे आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे टाइप के पिलर्स दिखेंगे और मूर्तियाँ दिखेंगी, कुछ कुछ मूर्तियाँ जिस मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। केव के अंदर आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। ये देख सकते हो इतनी मस्त बड़ी विशाल काय पूरी मूर्ति बनी हुई है। और अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो यहाँ पे हर जगह पे ये डिटेल लिखा हुआ है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल आप समझ पाएंगे। ये देख सकते हो यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ तो आप समझ पाएंगे। ये बहुत बड़ा गुफा है और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एक गुफा है और इसके अंदर बहुत ही बड़ा भगवान जी का शिवलिंग है। ये देख सकते हो, जय भगवान जी। तो यहाँ पे आप जूते पहन के ना जाएं। ये ऐसा रास्ता है सारे केव में जाने के लिए। जैसे आप केव नंबर 1 से आते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको केव नंबर 2 मिलता है। तो काफ़ी बड़ा केव है, अभी फ़िलहाल हम अंदर चलते हैं। सेकेंड वाले केव में आप आते हो तो ऐसा टाइप का आपको मिलता है। फर्स्ट वाला केव में ही आपको मूर्तियाँ देखने के लिए मिलेंगी। ये देख सकते हो ऐसा व्यू है आपको सेकेंड वाले केव में। तो काफ़ी दूर दूर से फॉरेनर्स लोग भी आते हैं ये केव को देखने के लिए, काफ़ी स्पेशल है। टोटल 7 केव्स है लेकिन जो सबसे ज़्यादा स्पेशल है वो केव नंबर 1 है और बाकी आपको रैंडम ही मिलेगा। बाकी यहाँ पे सिटिंग प्लेसेस बहुत सारी है जहाँ पे आप आराम से मस्त बैठ सकते हो। हो गया फाइनली गाइज मेरा एलिफेंटा केव घूमना और आपको घुमाना। कैसे लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आज का पूरा दिन मेरा घूमने में निकल गया। मैं सुबह सुबह आई थी और अभी शाम के 5:30 बज गए। 5:30 बजे गार्ड वाले सारे भैया सीटी मारते और सबको निकालते। फिर आप वैसे भी आप फेरी का एक बार टिकट लेते हो तो उसी टिकट में आप वापस भी जा सकते हो और जो टॉय ट्रेन रहती है उसका भी एक बार टिकट लेते हो तो रिटर्न भी उसी टिकट में जा सकते हो। तो आप टिकट कटाने का कोई झंझट नहीं है, आप सिर्फ मस्त जाना है। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी के लिए थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।